एक अरसे से बदहाल सड़क की समस्या से बुरी तरह जूझ रहे लाख राज्य निवासियों ने बुधवार को दिग्रस में भीख मांगो आंदोलन किया है। इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने संबंधित प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को और कथित विकास पुरुष की लापरवाही की ओर इशारा करते हुए हम दिग्रस दारवा निर्वाचन क्षेत्र में नहीं तो क्या पाकिस्तान में रहते हैं, इस आशय का सवाल कर रोष व्यक्त किया है। पेश है दिग्रस से संवाददाता जुबैर खान की खास रिपोर्ट। गड्ढों से भरपूर लाखरायजी गांव की बदहाल सड़क को लेकर गांव वालों में एक अरसे से फैला हुआ रोष बुधवार को भीख मांगो आंदोलन के जरिए फूट पड़ा। लाखरायजी गांव के नागरिकों ने बड़ी संख्या में बुधवार 28 सितंबर की दोपहर को दिग्रस शहर के पुराने पेट्रोल पंप के पास इकट्ठा आकर लाखरायजी गांव की बदहाल सड़क के मुद्दे पर भीख मांगो आंदोलन कर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। बदहाल खस्ताहाल सड़क की समस्या से बरसों से जूझ रहे इन लोगों ने लापरवाह प्रशासन के साथ ही दिग्रस दारवा विधानसभा क्षेत्र के आखिरी छोर पर बसे आदमी तक विकास की धारा को पहुंचाने की डींगे हाँकने वाले कथित विकास पुरुष की ओर इशारा करते हुए हम दिग्रस दारवा निर्वाचन क्षेत्र में नहीं तो क्या पाकिस्तान में रहते हैं, इस आशय का सवाल भी किया। आमचा लाखरायजी गाव का मतदार यादीत येत नाही का? विकास करून राहिले विकास पुरुष म्हणतात स्वतःला। अरे आमचं गाव का विकासाच्या बाहेर आहे का? आमच्या गावाचा विकासच हरपलेला आहे आणि विकास पुरुषच हरपलेला आहे आमच्या गावाचा। लेकीबळीच्या डिलिव्हर होतात, लोक पडतात, जनावरं मोडतात, रस्त्याने गाड्याची किती कामं निघतात, हे मेंटेनन्स कोण देणार? लेकाबळीच्या दवाखान्याचा खर्च कोण देणार? गव्हर्नमेंट देणार का? हा, दवाखान्यापर्यंत जाऊ शकत नाही लेखबाळ डिलिव्हरी वाली, रस्त्याने डिलिव्हरी होती, माझ्या भावाची झाली, माझ्या भावाच्या बायको झाली, हे स्वप्नील भाऊजी विचारा त्यांच्या समोर, रस्त्याने डिलिव्हरी झाली, रस्त्याने जर काय काय झालं असतं त्या लेखीबाईचं काय केलं असतं? गव्हर्नमेंट जिम्मेदार राहिलं असतं, कोण जिम्मेदार राहिलं असतं? आमचंच गाव एवढं महाराष्ट्राच्या बाहेर, पाकिस्तान मध्ये राहतो का आम्ही? त्या गावाच्या बाहेर राहतो, कुठे जंगलात राहतो, आम्हालाच रस्ता नाही भेटत, सिमेंट रोड बनवून राहिले, कुठं कुठं मंदिरं बनवून राहिले, सगळं मंदिराला पैसा, राम मंदिर बनवता, हे बनवता, ते बनवता, आमच्या गाव रस्ता देऊ शकत नाही, एवढं आम्ही मागासलेला आहे का? अरे मंदिरं बनवा, सगळे बनवा, पण आम्हाला रस्ता तर द्या, गरीब आले, लेकरं शाळेत जाते, कसे कसे जाते, वेळेवर पोहोचू शकत नाही, परीक्षा पुरते, हे आमची हालत आहे। आज भीक मागण्याची पाळी आली आहे। इस आंदोलन के दौरान जगह जगह पर भीख मांग कर इकट्ठा की गई राशि को लेकर लोगों ने तहसील कार्यालय का रुख किया, जहां तहसीलदार प्रवीण धानोरकर को इस समस्या से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंप कर भीख मांगो आंदोलन में जमा हुई राशि को निषेध के रूप में राज्य के मुख्यमंत्री निधि को भेजने की चेष्टा भी की गई। मालूम हो कि लाख रायजी गांव की यह सड़क आर्नी रोड सहित दिग्रस शहर से जोड़ने वाली गांव की प्रमुख सड़क है। एक तरह से यह सड़क ग्रामीणों के लिए लाइफलाइन का काम करती है, लेकिन इस सड़क पर फैला गड्ढों का जाल राहगीरों के लिए जी का जंजाल बन गया है। इस समस्या के संदर्भ में गाँव वालों ने प्रशासन को बार बार लिखित में आवेदन दिया और अपनी समस्याओं से जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया, लेकिन न तो प्रशासन ने इस सड़क की मरम्मत कराई और नहीं जन प्रतिनिधियों ने कोई सूद ली। आज आमची राजा शासनाची बस झालेली आहे। कशामुळे? रोडच्या दुरुस्तीमुळे। म्हणजे विद्यार्थ्याला घ्यायला बस सुद्धा येत नाही कोणाची, राज्य शासनाची, प्रायव्हेट बस येते, बघून घ्या प्रायव्हेट बस, पण कशी येते त्यांचं त्यांना माहीत, आणि त्याच्यातनी आमचे पाल्य कसे जातात आणि कसे येतात, खूप दुर्दैवी विषय आहे। एवढी समस्या गंभीर असताना पण रस्त्याकडं कोणाचं लक्ष नाही, शासनाचं नाही, कोणाचंच नाही आहे। आता बोलायचं कोणाबद्दल, त्याच्यामुळे आम्ही आंदोलन काढलेलं आहे, त्याच्यासारखं निवेदन द्यासाठी आलेले आहे। बहरहाल वैसे तो राजनीति को समाज के विकास का प्रभावी हथियार माना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से दिग्रस दारवा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक, मंत्री तथा अन्य जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैये के चलते विकास के इस हथियार पर मानो लापरवाही का जंग चढ़ गया है, जिस वजह से नागरिकों पर अपने बुनियादी समस्याओं के निराकरण के लिए भीख मांगो आंदोलन करने की नौबत आन पड़ी है। ये बेहद अफसोस की बात है। BCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।